देवास में शिप्रा बिराज के मेंटेनेंस कार्य, जिसमें डैम के 5 गेट के वायर रोप खराब होने पर उन वायर रोपों को बदलने का कार्य चल रहा था। समय से पहले वायर रोप बदलने का कार्य पूर्ण होने पर विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, नेता सत्तापक्ष मनीष सेन, निगम आयुक्त रंजीश कसेरा के द्वारा लोक निर्माण समिति सहित MIC मेंबरों ने निरीक्षण किया है। साथ ही किए गए कार्यों की जानकारी ली तथा कार्य देखा। आयुक्त ने डैम के विषय में तथा किए गए मेंटेनेंस कार्यों की जानकारी दी तथा अग्रवाल एवं जैन के साथ डैम के गेट पे अप और डाउन कर सभी ने देखा। विधायक प्रतिनिधि अग्रवाल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पहले ये शिप्रा डैम का निर्माण महाराज तुकोजीराव पवार के नेतृत्व में और उनके सानिध्य से हुआ था, जिससे देवास की जनता की प्यास बुझी थी। पर समय समय पे इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, तो चूंकि एग्रीमेंट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर था इस डैम का, उसको ये हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर जो इसके डैम के गेट्स हैं, जो 12 गेट्स हैं, उसके रोप जो है, उसके बकल्स हैं, उसके क्लिप्स हैं, वो बड़े हैवी रहते हैं और वो सब लगभग ख़त्म होने को थे और वो रिस्क फैक्टर भी था। तो 3 दिन के लिए इस डैम का पानी रोक कर और जो उतना पानी था उतना खाली कर इसका मेंटेनेंस करना था। तो हमारी विधायक राजमाता साहब के नेतृत्व में सभी प्रशासन और इंडस्ट्रियल एरिया के जितने भी फैक्ट्री मालिक थे या उनके चेयरपर्सन थे, उन्हीं के साथ में कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि पानी की जब सप्लाई रुकती तो वो इंडस्ट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट आ सकता था, उसमें हमारे उद्योग भी बंद हो सकते थे कुछ दिन के लिए। पर नगर निगम ने बड़ी ही चुस्ती से इस काम को 2 दिन में करा और पानी की सप्लाई भी देवास में नगरवासियों को भी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होती रही और इंडस्ट्री में भी उनके जो संवेल थे उसमें भी प्रॉपर फ्लो जाता रहा। तो इसी मतलब ये जो एक चैलेंजिंग पार्ट था जो नगर निगम की टीम को और जो हम लोगों ने टीम हायर करी थी, क्योंकि 8 मीटर तक ऑक्सीजन लेके और नीचे जाना पानी के और उसके क्लिप बकल्स डैम के गेट के बदलना और 12 ही गेट को वापस नए रोप और नए क्लिप्स लगाना, एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था और बहुत टाइमलाइन में हुआ। इसी के लिए हम नगर निगम की जो टीम है और बाकी भी जो अंडर वाटर काम कर रही थी वो टीम साधुवाद की पात्र है। हमारे देवास शिप्रा पे जो डैम बना था 12 साल पहले बना था और इसकी कई सारी रोप सड़ चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी और जैसा कि नाम से में है कि हर 10 साल में उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, जो 10 साल में नहीं हो पाया था और अभी हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है। तो फिर कमिश्नर साहब ने माननीय विधायक जी से चर्चा करी, हम लोगों ने कलेक्टर साहब के नेतृत्व में मीटिंग करी और मीटिंग करके और तय करा कि जो 10 दिन में होने वाला काम है इसको हम 5 दिन में पूरा करें। 5 दिन की हमने समय सीमा तय करके काम करने वाली एजेंसी को निर्देशित किया था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उस टीम को कि उन्होंने 5 दिन का काम 3 दिन और 3 दिन आखिरी तय करे थे वो काम 2 दिन में पूरा कर दिया और कल शाम को उसकी ट्रायल भी हो गई थी। अभी छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम बचे थे लेकिन फाइनल काम हो उसके पहले हमने नगर निगम की पूरी MIC सभापति जी, हमारे MIC के सभी साथी, मंडल के अध्यक्ष, सब लोगों ने तय करा कि एक बार जो मेंटेनेंस का काम हुआ है उसको हम लोग भी देखें और देखने के बाद तो हमको लगा कि काम गुणवत्तापूर्ण और अच्छा काम हुआ है, हम उस काम से संतुष्ट हैं। नहीं, इंडस्ट्री को पानी देना एक वो वेल स्पून का अपना एग्रीमेंट है, लेकिन हमारे लिए तो प्रायोरिटी थी देवास की जनता को पानी समय पे उपलब्ध कराना, क्योंकि 10 दिन यदि हम मेंटेनेंस का काम करते तो 10 दिन तक देवास की जनता को पानी कम दबाव से और कम समय हम दे पाते, तो हमारे लिए प्रायोरिटी देवास की जनता को पानी देना था, इसलिए हमने उसको टाइम लिमिट में काम को पूरा किया है और 1 या 2 टर्म में हम देवास को कम पानी दे पाए और वापस से अब जो पानी जितना हम देते थे रेगुलर उतना ही पानी देवास को मिलेगा वापस। नहीं, डैम का जितना स्टोरेज होना चाहिए इतना हमारे पास आज भी है, लेकिन हमारा जो डैम में पानी बारिश के कारण जितना नदी का फ्लो आ रहा है लगातार पानी कल और आज में भी बढ़ा है और निश्चित तौर पे 2-3 दिन में जितना हमारा डैम में पानी था इतना हम पूरा कर लेंगे और उसके बाद भी यदि पानी की कमी रहती है तो हमने मेंटेनेंस कार्य शुरू करने के पहले NVDA से लिखित में राइटिंग में लिया था कि यदि बारिश नहीं होती और पानी की आवश्यकता हमें पड़ेगी तो जब हमको पानी चाहिएगा NVDA पूरा पानी छोड़ेगा। बेसिकली जो डैम्स वगैरह बनते हैं तो उसके नॉर्म्स होते हैं, नियम्स होते हैं कि हर 10 साल में उसका एक मेंटेनेंस का वर्क किया जाए। चूँकि हमारा डैम्स करीबन 12 से 13 साल पुराना हो चुका है तो इसमें डैम्स का रिपेयरिंग आवश्यक था। हमारे चूँकि 12 गेट्स में से 5 गेट्स इसके उसकी रोप वगैरह जो है उसका ख़राब हो चुकी थी,
तो इसलिए यह अत्यावश्यक था कि इसके डैम का रिपेयर किया जाए। इसी के सभी का फिल टोटल 12 के 12 गेट्स का हम लोगों ने पूरा मेंटेनेंस किया है। जहां पर आवश्यकता थी रोप्स चेंज करने की, वहां पर रोप्स वगैरह भी चेंज हुई है। और दूसरे इसके साथ में जो लगे हुए चीज़ थी, जैसे बोल्ट्स हैं, इसके हॉपर्स हैं, सारी चीज़ें वो भी चेंज, जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई रिक्वायरमेंट्स पे, एज़ पर रिक्वायरमेंट्स उसको चेंज किया। लगभग नियर अबाउट इसका मेंटेनेंस का खर्चा 35 लैक्स के लगभग आया है। और इसमें सारा डैम्स हमारा रिपेयर होकर कम्प्लीट हुआ है। जो हमारे पास में टारगेटेड हम लोगों ने टाइम लिया था, उस टाइम से हमने 2 दिन पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास में जो इसका तला है वो 480 लेवल पे, 480 पे, और इसका जो क्रस्ट लेवल है वो 488 पे है। तो एट द टाइम हमारे पास में 8 मीटर पानी पर्याप्त रहता है। और उसके बाद में इसका टॉप लेवल है 494 समथिंग, तो 494.6 जो इसका टॉप लेवल होता है। और जब भी अप स्ट्रीम में या पानी आता है ऊपर की तरफ, तो ये टॉप लेवल इसका भरता है। इसके टॉप लेवल पर आने पर 14 मीटर पानी हमारे पास में भरा रहता है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।